तो एक नॉर्मल गाय मारता है अराउंड 250 टू 500 रेप्स अपने हर दिन के वर्कआउट में, और मैं उसका करूंगा 2 times नहीं 3 times नहीं 4 times, जो होता है 2000 रेपिटेशंस। तो गाइज मैं करूंगा 5 exercises 400 रेप हर एक्सरसाइज के, वो भी एक सिंगल वर्कआउट में। सो लेट्स गो। तो पहली एक्सरसाइज होगी द वन एंड ओनली बेंच प्रेस। तो भाई मैं तो मारूंगा 5-5 से। बस 5 ही मार रहा है क्या भाई? 400 भी तो मारने हैं। तो भाई बेंच प्रेस के अलावा मैं करूंगा चेस्ट सपोर्टेड रोज, मशीन फ्लाइज, और उसके बाद मेरी फेवरेट अंडर हैंड पुल डाउन्स करूंगा, और आखिरी में करूंगा आर्नोल्ड प्रेस। तो ये था पूरा वर्कआउट, देखते हैं क्या होता है। भाई थक गया। फोर्टी वे बस अभी तक। डन हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं। फिफ्टी हो गए, 50 और बचे। मैंने सोचा कि 100 रेप्स कर लूँगा सारी एक्सरसाइज के और 4 सेट मार लूँगा, तो 5 एक्सरसाइज हैं तो हो जाएंगे 2000। तो भाई अब है तीसरी। डन 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 हो गया। चल देखो कहाँ चढ़ गया ये। हर हर महादेव।
भाई बहुत मुश्किल है। लेट्स गो गाइस। हो गया लास्ट एक्सरसाइज, कम ऑन। 1 2 हो गया भाई अब तो कंप्लीट। कहाँ हो गया, अभी तेरे 3 सेट बचे हैं। यार फर्स्ट सेट कंप्लीट करने के बाद मेरे को पता चला कि ये चैलेंज लिटरली बहुत ज्यादा टफ है, बट फिर भी आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। Let's go man, come on, come on! मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा था बट अचानक से मेरे को लग रहा है कि मेरे में ताकत ही नहीं बची है। बट आई हैव टू कंप्लीट इट नो मैटर वॉट। तो भाई सेट 3 भी हो गया कंप्लीट, अब बचा है लास्ट सेट। भाई लग नहीं रहा हो पाएगा। मेरे को लग रहा था कि मैं गिव अप ही कर दूंगा, बट फिर लगा अगर अभी गिव अप कर दिया तो सारी पिछली मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो बिना ज्यादा सोचे आई मूव्ड ऑन टू द लास्ट सेट। मॉन हो गया डन। ये वर्कआउट लिटरली बहुत ही डिफिकल्ट था एंड आई विल नेवर रिकमेंड दिस टू एनीबॉडी। भाई ये मेरी जिंदगी का सबसे टफ वर्कआउट था। सुनने में बहुत इजी था बट करा तो तब पता चला लाइक
बहुत ही टफ है भाई, बहुत ही टफ है। आई विल नेवर रिकमेंड दिस टू एनीबॉडी। उसको मेरे को नहीं लगता मैं एक हफ्ते तक जिम आ पाऊंगा गाइस। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो अगर तुम नए हो चैनल पे तो।